फ्रेंड्स, जीपीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट, और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किस तरीके से एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, जो भी सिर्फ 10 सेकंड्स में। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 7 मीटर 2 मिलीमीटर, एंड द आंसर इज 7000 मिलीमीटर। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने इसको 5 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर दिया है। मेनली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि इन तरह के क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए। तो इस चीज़ का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम हमारी शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं, जिसे स्टूडेंट्स ईजिली सॉल्व कर सके। सबसे पहले हमें मिडिल में m लिखना है, क्योंकि हम सबसे पहले मीटर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मीटर के इस साइड में हमें लिखना है k, h, da, इनके बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए सबके बीच में, देन d, c, m। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इस शॉर्ट ट्रिक को लर्न कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक हमारी बहुत कम आएगी। तो देन सबसे पहले तरीका देखते हैं इसको लर्न करने का। सबसे पहले आपको क्या बोलना है, के एच डी ए एम डी सी एम। एक बार रिपीट करते हैं, के एच डी ए एम डी सी एम। अब इस शॉर्ट ट्रिक को लर्न करने के बाद हमें क्या करना है, जैसे हम मीटर वाली हम निकाल रहे हैं, तो हमें सबके बैक में मीटर मीटर लिखना पड़ेगा। एंड आफ्टर दिस मीटर लिखने के बाद सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये हमारी ये लिखी हुई है यूनिट, इनको फुल में बोलते क्या है। सर, के मिस होता है किलो, एंड एम मिस होता है मीटर, तो पूरा हमारा बन गया किलोमीटर। एच मिस हेक्टो, एम मिस मीटर हेक्टोमीटर। डी एम मिस होता है डेका, एम मिस मीटर डेकामीटर। एम का जानते ही है, एम मिस मीटर। डी मिस डेसी, एम मिस मीटर। इसमें इसमें एक डिफरेंस है, इसमें डी ए है क्योंकि ये डेका है, इसमें ओनली क्या है डी, क्योंकि ये क्या है डेसी, इसलिए डेसी मीटर। सी मिस सेंटी, एम मिस मीटर सेंटीमीटर। एम मिस मिली और एम मिस मीटर मिली मीटर। तो आइए हम एक चीज़ और देखते हैं। अब जैसे हमें कन्फ्यूजन था कि मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम। देखिए, अगर अपन कोई भी यूनिट इस साइड से इस साइड की तरफ जा रही है, इट मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी यूनिट लेफ्ट से राइट की साइड जा रही है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जैसे मुझे किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। अब किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर रही हूँ, तो वो किस साइड गई हूँ मैं, लेफ्ट से राइट साइड गई हूँ, तो इट मीन्स मुझे क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। फिर देखिए, अब अगर कोई यूनिट इस साइड से इस साइड जा रही है, इट मीन्स राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो उसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे अगर मुझे डेसीमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना है, पापा सुने, डेसीमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना है, अब मैं इस साइड से इस साइड आ रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। अब ये जो हमारी जो प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई डिवाइड की, वो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है। अब देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं हमारा, जो मैंने अभी आपको बताया था सॉल्व करके, हम उसी को सबसे पहले देखते हैं एक बार। 7 मीटर 2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले ये चेक करना है कि हमें क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमारी कौन सी यूनिट दे रखी है और हमें कौन सी यूनिट निकालनी है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि 7 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, इट मीन्स हमें इस यूनिट को मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले जो भी यूनिट हमें क्वेश्चन में दी गई होगी, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो ये हमारा मीटर है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया हल्का सा, जिससे हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। देन हमारा क्या है, मिलीमीटर, तो हमने मिलीमीटर को अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन में यूनिट दी गई हुई है मीटर, उसको हमें काउंट नहीं करना है। मतलब ये है, क्वेश्चन में जो भी यूनिट दी गई होगी वो आपको कभी काउंट नहीं करनी है, उसके बाद से काउंट करनी है। कहाँ तक काउंट करनी है, जहाँ तक आपसे क्वेश्चन ने कन्वर्ट करने को कहा है। तो आप देखिए, जैसे मीटर हमारा क्वेश्चन है, इसको चेंज करना है मिलीमीटर में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया मीटर को हमें काउंट नहीं करना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मीटर के बाद से हम काउंट करेंगे। तो मीटर के बाद से काउंट करें, कितनी यूनिट है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। अब जितनी यूनिट्स होंगी उतने ही उस यूनिट की जगह हम क्या बोलेंगे, जीरो। जितनी हम यूनिट्स लगाएंगे उतनी मतलब क्या होगी हमारी, जीरो। तो 3 यूनिट्स है, तो 3 यूनिट्स मतलब हमें 3 जीरो लगानी है। अब 3 जीरो के आगे हमें 1 लगाना है, तो अब ये पूरा क्या बन गया, 1000। तो हमारी दो चीज क्लियर हो चुकी है कि हमें मल्टीप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, और किससे करना है, 1000 से। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। अब हमें 7 को कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले 7 को लिखते हैं। अब हमने ये देख लिया हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से।
3 0 हमने क्यों लगाई, क्योंकि इसके बाद 3 यूनिट्स थी, इसलिए हमने 3 0 लगा दी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 अपना आंसर आएगा। अब आपको क्या करना है, हर आंसर के बाद उनकी यूनिट जरूर लगानी है, जिसमें भी हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास मिलीमीटर लिखा हुआ है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो बैक साइड हम क्या लगाएंगे, मिलीमीटर। इस तरीके से ये हमारा हो गया टाइप वन। इसमें 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनको हम अभी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब एक बार इसका हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसे आप लोग कोई कंफ्यूजन ना हो। 1900 हेक्टोमीटर 2 मीटर, हेक्टोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो देखिए हम हेक्टोमीटर कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा हेक्टोमीटर। अब क्या है, इसके बाद हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ये हमारा मीटर। तो मैंने आपको इसे बताया कि जो यूनिट हमारे क्वेश्चन में पूछी होगी, क्वेश्चन में पूछी हेक्टोमीटर, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद से हमें काउंट करना है, कहाँ तक, जहाँ तक हमारे क्वेश्चन ने पूछा है। तो 1 और 2 हेक्टोमीटर, ये है हेक्टोमीटर के बाद से काउंट करनी है, तो 1 2। अब मैंने आपको बताया था जितनी यूनिट्स होगी उतनी हमारे जीरो होंगे, 2 यूनिट्स है तो 2 0 हमें लगाना है, और 2 0 का क्या लगाना है हमें, आगे 1 लगाना है, तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। तो मतलब 1905 को हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आंसर आएगा हमारा 1905 00, इट मीन्स 1,90,500। अभी इस क्वेश्चन में एक चीज बाकी है हमारी, वो है जैसे क्वेश्चन में हमें क्या लगा रखा है, मीटर, हमें मीटर में चेंज करना था, तो हमें इसे बैक साइड क्या लगाना पड़ेगा, मीटर, क्योंकि बिना यूनिट के क्वेश्चन हमारा क्या माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। आइए हम अब टाइप टू की तरफ बढ़ते हैं। अब टाइप टू का हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 किलोमीटर 250 मीटर 2 मीटर। पहले हम उससे पहले क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये 10 किलोमीटर 250 मीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। अब इसको चेंज करने से पहले, अब हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट्स है, तो इन 2 यूनिट्स को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, जैसे कि एक यूनिट हो गई हमारी 10 किलोमीटर और दूसरी यूनिट हो गई हमारी 250 मीटर। तो सबसे पहले हम एक चीज़, आपने गौर किया हो तो आप यहाँ देखा यहाँ पे कि ये 250 किस में अपना ऑलरेडी मीटर में, और क्वेश्चन में हमसे किस में चेंज करवा रहा है, मीटर में। तो इट मीन्स हमें इस 250 को मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये 250 हमारे पास ऑलरेडी मीटर में लिखा हुआ है। तो ओनली हम किसको चेंज करेंगे, इस किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ एक बार, 250 ऑलरेडी किस में है, मीटर में है, तो ये यूनिट हमारी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर में है। सिर्फ हमें किलोमीटर को चेंज करना है, किस में, मीटर में चेंज करना है। तो हम वही ट्रिक यूज करेंगे हमारी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, किलोमीटर, देन क्या है हमारा, मीटर। अब आपको क्या देखना है, वही कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो हम किलोमीटर से मीटर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में किलोमीटर, निकालना क्या है, मीटर, तो इस साइड से इस साइड की तरफ बढ़े, तो इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ये चीज चेक कर ली कि हमें मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि हमें किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन में किलोमीटर है, तो इसको हमें काउंट नहीं करना है, इसके बाद से काउंट करना है। तो 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट क्वेश्चन हमें आई है हमारी, तो हम क्या करेंगे, 3 यूनिट है तो 3 0 हमें लगानी है, और 3 0 का आगे हमें 1 लगाना है, तो इट मीन्स क्या बन गया है हमारा, 1000। तो सबसे पहले जिस भी यूनिट को हमें कन्वर्ट करना है उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 2 3, 3 यूनिट्स आई तो 3 0 लगाएंगे, इसके आगे हमें क्या लगा देना है, 1। अब आपको ये देखना है, इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। अब ब्रैकेट के बाद हमें कौन सी यूनिट लिखनी है जिसमें हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहे हैं, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में। तो ब्रैकेट के बाद भी कौन सी यूनिट आएगी, मीटर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 250 मीटर हमारा ऑलरेडी मीटर में है, तो इसको हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, तो इसको हम एज इट इज सेम टू सेम प्लस लगा के 250 मीटर लिख देंगे। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर आएगा 1000, इट मीन्स 10,000। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी लिखा हुआ है वो आपको एज इट इज इसमें लिख देना है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना। मीटर का मीटर, प्लस का प्लस,
250 का 250, मीटर का मीटर। अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप। अब इस स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, सिर्फ हमें इसमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो एक बार हम ऐड करना देख लेते हैं किस तरीके से हमें ऐड करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर को लिखा ऊपर 1000। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 250 को हमें इसके नीचे लिखना है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि सबसे पहले जब भी हम सेकंड नंबर को उतारते हैं तो उसे कभी भी आगे से नहीं उतारते, पीछे से उतारते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 देन 5 देन 2। अब हमें इसको ऐड करना है, तो आंसर आया हमारा 10,250। अब यूनिट कौन सी है हमारी, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे मीटर, दोनों यूनिट सेम है। अगर ये यूनिट डिफरेंट होती तो हम इसको ऐड नहीं कर पाते, पर दोनों यूनिट कैसी है हमारी, सेम है, तो हम क्या लगा देंगे, मीटर, क्योंकि हमें इसको मीटर में चेंज करना है। डेट इज आवर आंसर। हमने टाइप टू सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद टाइप थ्री हम सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि टाइप टू और टाइप थ्री में क्या डिफरेंस है। इसमें ओनली सिर्फ हमने एक यूनिट को चेंज किया है, एक यूनिट को कन्वर्ट किया है, पर टाइप थ्री में हमें देखने को मिलेगा कि हमें दोनों यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइप थ्री स्टार्ट करने से पहले हम एक बार और इस ट्रिक को रिवाइज कर लेते हैं, जिसे आप लोगों के माइंड में रहे या भूले नहीं। सबसे पहले हमें क्या बोलना था, के एच, एक साथ के एच, देन डी ए, एम डी, सी एम, क्योंकि ये ट्रिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हमें माइंड में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि 12 DAM, DAM मतलब डेकामीटर, 4 मीटर को चेंज करना है DM में डेसीमीटर में। वापस देखते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन को हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने पहले क्या किया था कि क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, तो वापस से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 डेकामीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है, मतलब DAM को DM में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम वही चेक करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेकामीटर, चेंज किस में करना है हमें इसको, डेसीमीटर में। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें इसको तो काउंट करना नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसके बाद की हमें यूनिट को काउंट करना है। तो इसके बाद कितनी यूनिट आई है हमारे पास, 1 2 यूनिट्स, मतलब हमें 20 लगानी है, और 20 हमें लगाएं, 20 का आगे हमें क्या लगाना है, 1, तो इट मींस क्या बन गया हमारा 100। इसमें हमने भी ये चीज़ चेक नहीं की है कि इसमें मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है। तो पहले हम वो चीज़ देख लेते हैं कि जैसे हम इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। DAM से डेसीमीटर की तरफ जा रहे हैं तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से, क्योंकि 2 यूनिट्स आ रही है, 20 लगाएंगे। तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। अब मैंने आपको बताया था जिस भी यूनिट्स को सॉल्व करेंगे उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेसीमीटर लगा देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 4 मीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 में हमारे पास सिर्फ हमने एक ही यूनिट को कन्वर्ट किया था, दूसरी यूनिट हमें सेम टू सेम मिली थी, बट टाइप 3 में हमें दोनों यूनिट डिफरेंट मिली है। इसमें हमें मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है, तो मीटर को डेसीमीटर में चेंज करने से पहले हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। अब हम चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखें मीटर कहाँ पे हमारा, ये हमारा मीटर है, देन डेसीमीटर, ये हमारा डेसीमीटर है। तो हमें ये देखना है कि किस साइड जा रहा है ये। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, मीटर, कभी भी आपको उल्टा नहीं देखना है कि हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या है, हमेशा आपको यही देखना है कि क्वेश्चन में क्या है और हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन में मीटर है, देन निकालना क्या है, डेसीमीटर, तो हम इस तरफ की तरफ, इस तरफ गए हम, तो क्या करना है, वही हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हम चेक करेंगे कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो मीटर के बाद को देखेंगे, मीटर को नहीं काउंट करेंगे, मीटर के बाद डेसीमीटर, कितनी यूनिट आई, ओनली हमारी 1, और 1 मतलब 0 लगानी है, और उसके आगे हमें क्या लगा देना है, 1 लगा देना है, मतलब हमारा 10 बन गया। अब इसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4 × 10। 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मीटर के बाद सिर्फ ओनली 1 यूनिट आ रही है, तो 1 यूनिट मतलब हमें 10 लगानी है। अब वही बात है जिसे हमें ब्रैकेट के बाद क्या लिखनी है, जो यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसीमीटर में। अब सेकंड स्टेप में वही हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, इसके पीछे क्या लगी हुई है, डेसीमीटर लगा हुआ है, तो डेसीमीटर पुट कर देना है, प्लस का प्लस लिख देना है, सेम टू सेम। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, डेसीमीटर का डेसीमीटर हमें लगा देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेसीमीटर यहाँ पे और यहाँ पे भी डेसीमीटर, दोनों यूनिट क्या हो चुकी है, हमारी सेम हो चुकी है। अब हम इसको ईजिली ऐड कर सकते हैं, तो 1240। अब इसके पीछे हमें यूनिट लगानी है, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम डेसीमीटर में, तो क्या लगा देंगे, बैक साइड डेसीमीटर। ये हो गया हमारा टाइप 3। अब हमें टाइप 4 सॉल्व करना है, तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या है, सेंटीमीटर,
क्वेश्चन सेंटीमीटर हमारा ये रहा, देन क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या निकालना है, मीटर। अब आप गौर कीजिए एक बार कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इस बार हम किस तरफ आए, राइट से लेफ्ट की तरफ आए, क्योंकि सबसे पहले सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर ये रहा हमारा, देन क्वेश्चन में हमें किससे क्या निकलवा रहा है, मीटर निकलवा रहा है, तो हम मीटर पे हमने अंडरलाइन किया, तो सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आए, मतलब इस साइड हम आए, तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि हमें डिवाइड करना है, अब हमें किस नंबर से इसको डिवाइड करना है, तो वो देखिए क्वेश्चन में सेंटीमीटर है, तो इसको हमें काउंट नहीं करना है, सेंटीमीटर के बाद से हमें काउंट करना है, तो 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, 2 यूनिट्स मतलब 20 हमें लगानी है, तो 4426 अपॉन, डिवाइड करेंगे तो अपॉन लगा देंगे, देन किससे डिवाइड करना है हमें इसको, 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट्स है। अब इसके दो तरीके होते हैं डिवाइड करने के, चाहे तो आप नॉर्मली सिंपली डिवाइड करके देख लें इस तरीके से, या फिर इसको अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको निकालेंगे। अब आपको क्या देखना है कि लास्ट नीचे यहाँ पे कितनी जीरोज है, हमारे पास 2 जीरोज है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है 426, इससे पहले हमें क्या करना है, 2 जीरोज है, तो 2 जीरोज से पहले हमें क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, तो 1 2, तो आंसर हो गया हमारा 4.26। अब इसके पीछे यूनिट कौन सी आई, किसमें चेंज कर रहे हैं, मीटर में, तो इसके पीछे कौन सी यूनिट जाएगी, मीटर, तो हमारा आंसर हो गया 4.26 मीटर। अब हम टाइप 5 की ओर बढ़ते हैं, ये लगभग हमारा लास्ट टाइप है। अब इसमें हमें ये देखना है कि 75 हेक्टोमीटर को हमें किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर में चेंज करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये हमारी यूनिट है, ये हेक्टोमीटर हमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर में चेंज करवा रहा है, ये यूनिट ऑलरेडी हमारी क्या है, हेक्टोमीटर, तो इस यूनिट को हमें नहीं देखना है, तो ओनली हमें किसको देखना है, यहाँ पे किलोमीटर को देखना है। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हेक्टोमीटर, हमें कन्वर्ट किस में करना है इसको, किलोमीटर में, कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर में। वापस देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, हेक्टोमीटर, कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो हम किस तरफ गए, इस साइड गए, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ गए, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, डिवाइड करना है। वापस से देख लें एक बार, हेक्टोमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो मतलब हम इस साइड गए हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें इसको किससे डिवाइड करना है, तो हेक्टोमीटर के बाद से हम यूनिट काउंट करेंगे, तो कितनी यूनिट आ रही है ओनली हमारी, 1, तो 1 यूनिट आई, मतलब हमें 10 लगानी है, तो 75 को हमें डिवाइड करना है किससे, 10 से हमें डिवाइड करना है, क्योंकि ओनली हेक्टोमीटर के बाद 1 यूनिट है। अब इसका आंसर देखते हैं, यहाँ पे कितनी जीरो है, 10 है, तो हमें क्या करना है कि 75 से पहले, मतलब जो लास्ट नंबर है हमारा 5, इससे पहले हमें पॉइंट लगाना है, क्योंकि 10 है, तो 1 नंबर से पहले हमें पॉइंट लगाना है, तो हमारा आंसर हुआ 7.5। अभी हमारा पूरा आंसर नहीं आया है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर लिखा हुआ है, ये हमें निकालना है, अभी हमारा आंसर आया 7.5, तो आप एक चीज गौर कीजिए, सबसे आगे क्या लिखा हुआ है हमारा, 7, तो सबसे आगे हमारी यूनिट कौन सी लिखी हुई है, किलोमीटर, तो 7 क्या हुआ, किलोमीटर, 7 किलोमीटर, देन इसके बाद पॉइंट के बाद देखें आप, पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 5, अब यहाँ पे सेकंड यूनिट क्या है हमारी, हेक्टोमीटर, तो आंसर में दूसरा बार क्या आएगा हमारा, 5 हेक्टोमीटर। वापस से देख लें, क्योंकि ये हमारा अभी आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर दोनों यूनिट निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले जो आगे यूनिट लिखी हुई है वो आगे वाले की होगी, और जो पीछे यूनिट लिखी हुई है वो पीछे वाले की होगी, 7 आगे लिखा हुआ है तो 7 की यूनिट क्या हुई, किलोमीटर, 5 पीछे लिखा हुआ है तो 5 की यूनिट कौन सी हुई, हेक्टोमीटर, तो हमारा आंसर है 7 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, 5 हेक्टोमीटर 2 डेसीमीटर, सेकंड क्वेश्चन 42 डेसीमीटर 93 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, थर्ड वन 63 मीटर 27 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, फोर्थ 4333 मीटर 2 किलोमीटर, एंड लास्ट 543 मीटर 2 हेक्टोमीटर
एंड मीटर। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राम और लीटर की यूनिट्स कन्वर्ट करना सीखेंगे। GPS के YouTube चैनल को देखने के लिए थैंक यू।